झालावाड़ जिले में लगातार अवैध लकड़ी की कटाई की शिकायत मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट हुआ है। इसके बाद विभाग ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यवाही की है तो आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया। संचालक अपने अवैध टाल को छोड़ भागे। झालावाड़ में धड़ल्ले से जंगलों को काटा जा रहा था, इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही थी। इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचने के बाद अधिकारियों के कानों पर जू रहेंगी और स्पेशल टीम बनाकर कार्यवाही शुरू की। झालावाड़ जिले के सभी रेंजों के 50 के करीब स्टाफ की सामूहिक कार्यवाही के तहत रायपुर पिड़ावा मनोहर थाना क्षेत्र में अवैध टाल और आरा मशीनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए मनोहर थाना में 6 आरा मशीनों को सीज किया और लकड़ी कटाई में काम आने वाले अन्य उपकरण भी विभाग में जब्त किए। वन विभाग की इस कार्यवाही के बाद आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया और कई संचालक टाल छोड़कर मौके से फरार हो गए। अवैध कटान और परिवहन की लगातार शिकायत आ रही थी, जिस पर हमारे द्वारा लगातार निगरानी रखकर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अंकुश जिस स्तर पर लगना चाहिए वो नहीं लग रहा था, जिस पर हमने ये निश्चय किया कि जो झालावाड़ जिले में जितनी भी अवैध रूप से आरा मशीन संचालित हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए ताकि इस पर हम नियंत्रण पा सकें। मनोहर थाना के अंदर हमने फिर 6 आरा मशीनें जो अवैध रूप से संचालित हो रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको सीज किया। उनका सारा सामान हम उखाड़ के अपने रेंज में ले आए हैं, तो ये आज बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसमें पूरे झालावाड़ वन मंडल की सभी रेंजों का स्टाफ, सभी रेंजर्स और पूरे स्टाफ के द्वारा ये सामूहिक कार्रवाई की गई है।